अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में मेड इन पाकिस्तान एंड ब्रीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन ट्रेड टीवी का और इस प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक का मकसद लोगों के सक्सेस स्टोरीज़ को, ब्रांड स्टोरीज़ को, लोगों की काविशियों को आपके सामने लेकर आना है, अपने स्टार्स की कोशिशों को आपके सामने लेकर आना है, और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। और आज मेरी इस सिलसिले में 125 यानी कि 125वीं एपिसोड होने जा रही है, और हमेशा की तरह ही आज भी मेरे साथ जो एक शख्सियत मौजूद है, कहने तो को तो वो एक खातून है, लेकिन बहुत एक बाहिम्मत और एक ऐसी खातून मेरे साथ मौजूद है जिनका मैं जब डेजिग्नेशन आपको गनवाने लगूंगा तो शायद मेरे पास वर्ड्स का थोड़ा सा चुनाव और टाइम की कमी की वजह से मैं ज़रा उनके डेजिग्नेशन ना आप तक पहुंचा सकूं, लेकिन यकीन मानिए उनकी पर्सनैलिटी जब आपके सामने मैं लेकर आऊँगा तो आप उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे उनकी स्टोरी से। उन्होंने जितना भी काम किया अपनी लाइफ में अभी तक, और ख्वाबों की तबीर के सिलसिले में अभी तक जो सफ़र उनकी ज़िंदगी में जारी है, उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स की वो पाकिस्तान के लिए की है, पाकिस्तान सबसे पहले है उसमें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैडम नीलोफर सिकंदर की, जो SVP है वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर डिवीज़न की, और आजकल एक्टिव प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर उनकी प्रोफेशन की बात करें तो मैडम इंटीरियर आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हैं, लैंडस्केप डिज़ाइनर हैं, और एजुकेशनिस्ट हैं। बेसिकली वो लास्ट 25 यानी कि मोर देन 25 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, बहुत सारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, लाहौर ग्रामर का उसमें सबसे एक सरफ़रिस्त नाम है। हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स को वो पढ़ाती रही हैं, उनका पसंदीदा मशगला भी है, और बहुत समझती हैं पाकिस्तान को ग्रीन करने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा काविशी है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट में उनका बहुत ज़्यादा काम रहा है, रोल रहा है। और एक अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं उनसे बात करूँगा वो है जी, ये लाइट गेज इंडस्ट्री। ये लाइट गेज इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए आजकल के मौजूदा सिनेरियो में कितनी इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैडम की स्पेशलाइजेशन है, और मैडम ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। PC होटल की अगर हम बात करें, पर्ल कॉन्टीनेंटल लाहौर का जो होटल है उसके जो यानी कि काफ़ी उसका हिस्सा जो है मैडम ने वहाँ पर तमीर कराया है, इसी एक जो फॉर्मेट जो मैंने बताया आपको लाइट गेज इंडस्ट्री के, ये एक उसी का पार्ट है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा मैडम ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करने के लिए पेंटिंग एग्जीबिशन नेशनली एंड इंटरनेशनली की है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो कि बड़ा भाई है चैम्बर्स का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, उसमें भी मैडम ने 2006 से अपनी खिदमात डिफरेंट शोबों में, किचन एंड गार्डन्स के हवाले से अगर बात करें तो उसके ऊपर काफ़ी खिदमात सर अंजाम दी है। इसके अलावा वो क्या क्या है, मैंने जिस तरह पहले बताया है कि आई हैव नो वर्ड्स, या वो मैडम ख़ुद बताएँगी। मेरे साथ मौजूद है मैडम नीलोफर सिकंदर। ख्वाबों से तबीर तक इस सफ़र में मैं उनको खुश आमदेद कहूँगा, और आज का सफ़र बहुत हसीन होने वाला है क्योंकि मेरे साथ है मैडम नीलोफर सिकंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, वार्मली वेलकम टू माय शो ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैडम नीलोफर सिकंदर अपनी पर्सनैलिटी की तरह दरखशंदा रोशन सितारा, पाकिस्तान का वो सितारा जिसने ना सिर्फ जहाँ जहाँ आपको मौका मिला अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैडम मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप मेरे साथ मौजूद है, SVP वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, बल्कि एक्टिव यानी कि प्रेसिडेंट। ख्वाबों से तबीर तक की बात करें
तो ये ख्वाबों का सिलसिला बचपन से कहाँ से शुरू होता है? सबसे मैं ये पहला क्वेश्चन करता हूँ, उसके ऊपर बताइए कि बचपन के ख्वाब, उसकी तबीर को कोशिश जारी रखते रखते वो तबीर मिल गई कि नहीं, कि अभी भी वो सफ़र जारी है? प्लीज़, सफ़र तो जारी है। बचपन में हमारी वालदा ने ये किया कि हम छोटे एज में भी जब छुट्टियाँ होती थी तो सर्वेंट क्वार्टर में जितने बच्चे होते थे उनको बुला के वो कहती थी इनको पढ़ाओ, जो खुद पढ़ा वो इनको पढ़ाओ। तो वो कहीं सब कॉन्शियस में एक चीज़ बचपन से डल गई थी कि लोगों के लिए काम करना, हमें जो कुछ आता है आगे ज़रूर ट्रांसफ़र करना है। और उसी चीज़ को लेके एक ख्वाब यही है कि ग्रीनर क्लीनर एजुकेटेड पाकिस्तान, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हैं करते रहेंगे। पे बैक भी तो होता है ऑब्वियसली, जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो फिर CSR के हवाले से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मैडम, मेरा क्वेश्चन फिर अगेन है, ख्वाब बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, आप पहली बात ख्वाबों पर यकीन रखती हैं? बिल्कुल रखते हैं। तो जो बचपन के ख्वाब थे, मैं फिर वही क्वेश्चन कहूँगा, वो क्या ख्वाब थे जो एक बचपन की लड़की देखती है, बच्ची देखती है, फिर वो लड़की फिर माँ के रूप में, फिर बीवी के रूप में, उसके बाद दूसरे सारे रोल्स लाइफ में आते हैं? वो यही है शुरू से कि अल्लाह के सिवा किसी पर डिपेंडेंट ना हो, ओके, इंडिपेंडेंट हो और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है इसमें अल्लाह ने कामयाब किया, ऑल्दो के प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैं बहुत अर्ली आ गई थी, शादी बहुत जल्दी हो गई, लेकिन शादी के 12 साल बाद भी ये ख्वाब था तो मैंने दोबारा पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर में शादी हुई, बच्चे बड़े हुए, जब वो सीनियर क्लासेस में है तो उस वक्त दोबारा पढ़ाई अगेन स्टार्ट हुई जी। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और वो जब दुनिया में नहीं रहे तो वो चीज़ मुझे काम आई कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। तो ये तो सबसे बड़ा ख्वाब था। और जैसे पहले मैंने बताया कि दूसरा ये था कि जो कुछ हासिल किया है वो शेयर भी करना है, उसमें सिर्फ पैसा ही नहीं होता, वक्त भी शेयर किया, अपनी तालीम हुनर वो भी शेयर किया, टाइम हर चीज़ आ जाती है। उस तरह कुछ चंद एक NGOs को स्ट्रीमलाइन किया और वहाँ पे उनको ये कहा कि सिर्फ आपने पढ़ाना ही नहीं है बच्चों और बच्चियों को, इनको हुनर भी सिखाना है। और अल्लाह ने बड़ी अच्छे अच्छे मौके दिए, अल्लाह ने इज़्ज़त दी बहुत। मैं टेबटा के बोर्ड पे भी रही तो NGOs को, मदरसों को हमने कैंपेन चलाई कि टेबटा के साथ और VTI के साथ एसोसिएट करें, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसी तरह वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी 3 की मैं इंचार्ज रही, तो उस पे भी मैंने काफ़ी लोगों को काम किया। और फिर क्योंकि प्रोफेसर सईद अख्तर मेरे प्रोफेसर हैं तो मुझे मौका मिला तो मैं पाकिस्तान की पहली पेंटिंग्स एग्जीबिशन सिंगापुर लेके गई। और ये वो 9/11 वाला नया हुआ था तो जो एम्बेसडर थे वो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, तो वो कहते थे कि नहीं, यहाँ पे लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी पेंटिंग वेरी गुड, तालिबान कांट पेंट। तो वो एक तालिबान का उस वक्त हमारे लगा हुआ था स्टैम्प थी। तो मैंने फिर तकरीब सईद साहब की हेल्प से कोई 200 से ऊपर हमने पेंटिंग्स इकट्ठी की 2 दिन के अंदर। अलहमरा में मुझे मौका मिला, हमने वो एग्जीबिशन की और सारी पेंटिंग्स की ट्रांसपेरेंसीज बनवा के और जितने आर्टिस्ट थे उनकी CV साथ बना के वो मैंने सिंगापुर आर्ट्स काउंसिल भेजी। फिर उन्होंने उसमें से तकरीबन 23-24 सेलेक्ट की, वो मैं लेके तो गई और सारा कुछ स्पॉन्सर कोशिश की, भागी फिरी, लोगों से किया। आप हमारे नेगेटिविटी तो नहीं कहना चाहिए, मैंने कभी नेगेटिव फील किया होता तो मैं आगे काम ना करती, लेकिन काफ़ी हर्डल्स आते हैं। हमें अहमद सईद साहब थे उस वक्त PIA के जी MD, उन्होंने कहा जी फिक्र ना करें आप 100 kg तक ले जाएं सामान। तो हम जब मैं और मेरे हस्बैंड घर आए तो हमने रीपैकिंग की कि 100 kg तक ही हो, तो जब हम गए तो वो 100 kg से 1 kg कम था। तो आप सोचिए अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और उन्होंने रोक लिया हमारा सामान के नहीं जी 100 kg होगा तो फ्री होगा,
ये तो 99 है, इसके पैसे दें। तो आप ये सोचें कि अर्ली मॉर्निंग मैंने अकेले ट्रैवल करना था, मेरे हस्बैंड ने दूसरे दिन, और हम अपने एक्सपेंस पे कर रहे थे। कम होने पर भी वो, यानी हाँ, कि लोग ज्यादा होने पर होना था, हालांकि वो कम होने पर हाँ, अंदाजा तो मतलब इस तरह के हर्डल, तो वो फिर हमने प्राइवेटली उसको हैंडल किया। तो आप ये देखें, शुरू सफ़र में ही पाकिस्तान से मुझे इदारों से ये गिला है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कोई फैसिलिटीज़ बनाएं। मैं हर इदारे में टेपटा के बोर्ड से भी और पिसिक के साथ मैंने बड़ा काम किया है उधर भी। मैं यही कहती हूँ कि आप फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बाहर ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जीक्यूशन हो, लोग हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, और यही फुकदान है हमारे अदारों के दरमियान, हमारे यानी कि जो आम प्रोफेशनल्स हैं उनके दरमियान, यही कोशिश है कि ये अच्छा हो जाए। अच्छा मैडम, आपका पोर्टफोलियो मैंने जैसा बताया कि आप एजुकेशनिस्ट भी रही हैं। जी, मैंने लाहौर ग्रामर में 7th से लेके 11th तक पढ़ाया, और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। लास्ट मेरा जो टेन्योर था इंपीरियल यूनिवर्सिटी के साथ, तो उधर मैंने स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आर्ट एंड डिज़ाइन इस्टेब्लिश किया। आई वाज डायरेक्टर ऑफ दैट, माशाल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा सक्सेसफुल रहा। बस फिर मेरे, क्योंकि घर बहुत दूर था, रश में, ड्राइविंग में, 6 साल उनको दिए थे। लास्ट बैच जो था, मतलब वो उस पे आ गया था कि इनको डिग्री मिले, तो फिर बाकी इदारा खुद जाने, यार इदारा खुद जाने बाकी। अच्छा, उसके बाद आपने जाने के लैंडस्केप डिज़ाइनिंग जी, मैंने बहुत सारे अच्छे फैक्ट्रीज़ की और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ये सीखा आपने, ये जी जाहिर बात है हमारा, ये किस तरह, यानी कि थोड़ा सा डिटेल से बताइए, शौक था आपका? देखिए, शौक था तो नहीं, मजबूरी नहीं। जब मैंने प्रोफेसर सईद साहब को ज्वाइन किया था तो मैंने पोर्ट्रेट पेंटिंग से किया था, ठीक है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा था कि ये टाइम भी लगा रही है और एफर्ट भी कर रही है, तो आप इनको किसी प्रोफेशनल की डिग्री की तरफ लेके जाएं। तो उधर से फिर मैंने ये इंटीरियर आर्किटेक्चर का यूके का 4 इयर्स डिप्लोमा किया था, और उसी पे मैंने काफ़ी काम किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया। पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2005 में मैंने एक कंपनी की, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, लाइट गेज इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस की, ठीक है। क्योंकि यहाँ किसी को पता नहीं था कि लाइट गेज क्या होती है, बाहर तो घर बनते ही वो उसी पर है, एक ग्रिड सिस्टम होता है, प्री फैब्रिकेटेड होता है, उसके ऊपर नंबर शंबर लगे होते हैं। तो ये जो ओनर थे वो बाहर से मशीनें आई थी, तो उनकी ट्रेनिंग में काफ़ी मैंने करेक्टर हेल्प किया। और फिर पीसी के 2 फ्लोर मैंने खुद खड़े होके बनवाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग भी नहीं थे, तो मैंने कारपेंटर्स की टीमों को ट्रेन किया था, क्योंकि वो ही जो अलाइनमेंट वगैरह है ना उसको देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। मैडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है, लाइट गेज इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अभी पाकिस्तान में, बल्कि ये मेरा अगर मैं देखूं तो शायद 2-3% का इसमें होगा। यानी देखिए, अब जब हमने अर्थक्वेक में काम किया था तो मैंने तकरीबन 80% एनजीओस के साथ किया था, क्योंकि फॉरेन एनजीओस थी, तो उन्होंने कहा था कि जी हमने खुद बनवा के देनी है चीज़ें, हमने गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना, तो उस वजह से काफ़ी नॉलेज लोगों को आ गई कि ये क्या चीज़ है। और क्योंकि जब देखिए नया काम जो भी करता है ना, उसको ज़रूर मुश्किलात आती हैं, क्योंकि वो नई इंडस्ट्री थी, लोगों को पता नहीं था, वो क्राइसिस से भी 2-4 हुए, लेकिन वहाँ पे जिन्होंने काम किया था और उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, उन्होंने फिर अपनी अपनी भी लगाई, उसके कोई सिंप्लीफाइड लोकल चीज़ें भी डेवलप कर ली। तो ये मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की। चले, इसके ऊपर मज़ीद बात होती है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने बताई। उसी वक्त से हमने फाइबर ग्लास के लिए जो अब छोटे छोटे यूनिट वगैरह बने, मॉड्यूलर सिस्टम डेवलप हुआ, ये उसी से फिर उसी आगे से चला। जी जी, नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ मैडम निलोफर सिकंदर, SVP लाहौर डिवीजन वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और एक्टिव प्रेजिडेंट हैं। इनसे इंटरव्यू हो रहा है ख्वाबों से तबीर तक का ये सफ़र में। इस वक्त
टाइम हुआ एक स्मार्ट सी ब्रेक का, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। औरतें ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, आदमी बल्कि डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनको बाहर निकल के कमाने की आदत थी या ट्रेनिंग थी। उन बेचारों का कसूर नहीं, उनकी ट्रेनिंग एक वो है। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाबों से तबीर तक पावर्ड बाय मॉडल स्ट्रीट ग्रुप ऑफ कंपनीज। मेरे साथ मौजूद है मैडम निलोफर सिकंदर। जी मैडम, मैं बतौर खातून जो आपने खिदमात है, नो डाउट बहुत बड़ी खिदमात है आपने। हम पाकिस्तान में एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावर के होने की जब बात करते हैं तो आप जैसी खवातीन हमारे लिए एक मसले रहा है। मैडम आप SVP भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारी दी है वुमेन चैम्बर के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रही है वुमेन्स के लिए, तो आप बताएंगे कि बतौर खातून एक क्या क्या मसाइल दरपेश हो सकते होते हैं खातून को फील्ड में आने के लिए, और उसके बाद जब वो फील्ड में आ जाती है फिर क्या क्या फेसेस करना पड़ता है उसको, और उसको निलोफर सिकंदर बनने तक क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जो नेवर एंडिंग है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में है। जैसे मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे बात करती हूँ कि खातून को के लिए डबल फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि घर का भी वो संभालती है और बाहर का भी संभालती है। जबकि एक वक्त था कि जब हमने टैक्सेशन के लिए जब सर्च की तो ख्वातीन के लिए 200,000 का स्लैब था और हजरात के लिए 4। तो मैंने जब ये इशू उठाया उस चेंबर से तो उन्होंने देखा, फिर कहा कि ये वाकई है। मैंने कहा जी देखें, खातून जाती है ना घर, तो उसको सबके लिए केटर करना पड़ता है, आदमी ने सिर्फ बाहर ही का करना होता है। तो अब अल्लाह का शुक्र है इतनी हमने फाइट किया तो इतनी वेयरनेस आ गई है, इक्वल स्लैब बन गई है। अभी भी नहीं है बाज़ लोगों पर, नहीं रफली 400,000 का है स्लैब में, टैक्स की बात कर। अच्छा, टैक्स में, ओके। तो मेरा ख्याल है हमें बाय बर्थ ही ये ट्रेनिंग हो जाती है कि हमने स्ट्रगल करनी है और अपने को मनवाना है, इसलिए मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम आए तो वो अजीब नहीं लगती, अनोखी नहीं लगती। ऑल द फीमेल्स आर मेंटली प्रिपेयर टू फेस हर्डल्स, और वो करने पड़ते हैं तो करते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह उसमें मदद भी देता है। और मेरा जो है वेलफेयर का जो टेन्योर है उसमें आप ये देखें कि मुझे लाहौर चेंबर में एक और जिम्मेदारी मिली थी किचन गार्डन प्रमोशन की। ओके, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, वो भी इस तरह के एक मीटिंग थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो 50-60 आदमियों में दो हम ख्वातीन बैठी थी और मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे थे जी हमारी जो बुज़ुर्ग ख्वातीन थी, हमारी माएँ थी, बहनें थी, वो बड़ा अच्छा काम करती थी, और आज की औरत को सिवाय होटलिंग के और बाहर के फिरने के खर्चों के कुछ नहीं आता। तो आई फील्ट लिटिल बैड, क्योंकि हम भी दो ख्वातीन थी और हमारे नज़दीक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी बारी का इंतज़ार किया, तो मैंने कहा भाई जी पंजाबी में मैंने कोई बात की तो सब हंसे। तो मैंने कहा जी बात यह है कि मैं खातून ही हूँ, मैं घर जाके खाना भी बनाती हूँ, बच्चे भी पालती हूँ, सिंगल पेरेंट मैं उनकी एजुकेशन का भी देखती हूँ और बाहर आके काम भी करती हूँ, ठीक है। तो ये सारे काम है और मैं आज भी वो खातून जो घर में दही भी लगाते हैं, मिर्चें भी मैं ताज़ी भिगो के पीसती हूँ और खाने में डालती हूँ। तो आप काइंडली एक लेबल मत लगाएं कि पुरानी औरत और नई औरत, ठीक है बिगड़े हुए हैं, जिन बच्चों को बिगाड़ के माँ बाप ने पाला है वो बिगड़े हैं, वो औरत क्या तो आदमी क्या, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये तो नहीं है क्या लड़का अगर कमाता है तो उसको वेस्ट करने की भी इजाज़त है, ये तो कहीं नहीं ना लिखा। इस्लाम में तो हकूक बराबर है ना, मर्द खातून, बिल्कुल। तो वो फिर जब हम वापस आए चेंबर में तो अगले दिन जी मुझे पर्ची मिल गई कि ये किचन गार्डन का प्रमोशन काम करें आप, वो उसको भी चैलेंज को कबूल किया और अल्लाह का शुक्र है इतना किया कि गवर्नमेंट तक ये इशू गया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में किचन गार्डन विंग भी बना, और जो किचन गार्डन का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जो सोया हुआ था वो भी एक्टिवेट हुआ। मैं उधर से खुद बीज खरीद खरीद के तो लोगों को देती थी। हमारा ये है कि हम स्कूलों में कॉलेजों में ख़वातीन को चेंबर्स में
कमेटीज़ में, उनको कहते हैं जी पेस्टिसाइड फ्री, केमिकल फ्री आप घरों में सब्जी उगाए, ऑर्गेनिक। तो आप ये देखें ऑर्गेनिक फूड की भी ये 2006-07 से हमने कैंपेन की और उसके बाद हरियाली भी शुरू हुआ और बहुत सारे कई कॉलेजों में लोगों ने ऑनलाइन सब्जी बेचने का, दूध बेचने का ये काम शुरू किया। क्योंकि मैं जब स्कूल्स कॉलेजेस में होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप लोग जॉब्स के लिए मत ट्रेन हो, स्किल्स के लिए। आप अपने मालिक खुद बने और बिजनेस डेवलप करें, तभी पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। आप चाइना के मॉडल पे चलें, इंडिया के मॉडल पे चलें, कॉरपोरेटिव्स जो हैं वो डेवलप करें और मिल के एक, मैं अभी ख़वातीन को भी, हमारे चेंबर का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है WRC इनक्यूबेशन सेंटर, जहाँ हम ख़वातीन को बिजनेस करना सिखाते हैं। गुड। फ्रॉम ज़ीरो टू ऑनवर्ड, यानी कि हाँ okay. मतलब एंड तक, और हमारा सक्सेस रेट 65% है। ठीक है, उसमें हम बताते हैं प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, उसको लेके कैसे चलना है, टैक्स कैसे करना है, इसके रजिस्टर कैसे कराना है, फेस कैसे करना है, एवरी एस्पेक्ट जो आप समझे कंप्रेस्ड किस्म का MBA वाले बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस को लेके मॉड्यूल मींस आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली भी समझाते हैं, वो कराते हैं। तो वहाँ पे भी मेरा यही होता है कि देखें अपने बिजनेसेस करें, किसी के मुलाजिम ना बने घर। और इसमें सबसे बड़ा अल्लाह ने ये साथ दिया, जो ये कोरोना आया उसमें प्रूफ भी हो गया कि जिन्होंने औरतें ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, आदमी बल्कि डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उनको बाहर निकल के कमाने की आदत थी या ट्रेनिंग थी। उन बेचारों का कसूर नहीं, उनकी ट्रेनिंग एक वो है बिल्कुल सोसाइटी में कि निकलो और बाहर ढूंढो और सारा। औरत को क्योंकि घर से बैठ के करने का था तो ये बड़ा अच्छा मॉड्यूल रहा। तो इस तरीके से मैं तो बच्चियों को भी यही कहती हूँ कि भई आपने अपना मालिक खुद बनना। और इसमें भी ट्रेनिंग प्रोफेसर सईद अख्तर साहब की है, उनको एक दफ़ा मैंने ऐसे ही जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने पूछा, मैं कहा सर आप NCA में ज़्यादा लड़कियों को और थोड़े लड़कों को दाखिला देते हैं, क्या बात है। मेरा ख्याल था मुझे एक दो लग जाएंगी कि मैंने छेड़खानी की है, तो डांट पिटी, बोंगे हो तुम, बेवकूफ़ हो, खुद सोचो। मैं चुप करके डर के, और अगले साल फिर जब एडमिशन हुआ है मैंने कहा सर डांटिएगा नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो हंस के कहते हैं बच्चे पढ़ी लिखी माँ पढ़ी लिखी नेशन, और आदमी थोड़े इसलिए लड़के लेते हैं उनको नौकरियाँ मिलें, लड़कियों को इसलिए ज़्यादा देते हैं कि लड़कियाँ तालीम याफ्ता होंगी तो अगली नस्ल को पढ़ाएंगी और घर बैठ के इनकम जनरेशन करेंगे। तो वो चीज़ें सबक हमें मिलते रहे रास्ते रास्ता, हम भी वो कहते हैं ना हार परो लेते हैं कीमती अल्फाज का, तो वो हार बनता गया और उसी चीज़ को हम आगे लेके। वाह, जिसका उस्ताद इतना काबिल हो, उस्ताद सईद अख्तर, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या शान है। बस हमें वो सिखाते हैं, अभी भी बताते हैं, हमें गाइड करते हैं, तो हम गाइड करते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन कितनी बाहिम्मत है, बाशऊर है, बाज़मीर हैं, और जब जब इनको जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है वो अपने आप को प्रूव करती हैं किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी शेप में। जिसकी ज़िंदा मिसाल मैडम नीलोफर सिकंदर हैं, जो आज मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद हैं। इस वक्त टाइम हुआ है स्मार्ट से ब्रेक का, मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ट्रेन किए हुए हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं और उन लोगों के थ्रू दुनिया में लेके जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में दोबारा से खुश आमदे जी। मैडम नीलोफर सिकंदर साहिबा, मैडम आपने एक इनिशिएटिव लिया, आपका एक बेबी था, बल्कि वो अब परवान चढ़ता जा रहा है, बड़ा बच्चा बनता जा रहा है, और आपने नो डाउट उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। मैं बात कर रहा हूँ कस्बे कमाल की। जी, हमने छोटी ईद पे ये किया, मकसद ये है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जो घर से काम कर रही हैं, उनके लिए और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे वो आके अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करें। और हमारा होली जो है स्ट्रिक्ट कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। मैं जब एग्जीबिशन के लिए लोगों को सिलेक्ट करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि ना मुझे कोई इम्पोर्टेड स्टफ़ रखना है और ना मुझे इंडियन और चाइनीज़ और
ओनली पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का थोड़ा सा है क्या, थोड़ा सा हमारे व्यूज को ब्रेक, प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन समझिए, स्टोर है, यानी कि टोटली ऑनलाइन है, नहीं फिजिकल भी है। अभी छोटी ईद पे हमने एग्जीबिशन की थी, हम बड़ी जल्दी अभी दोबारा करेंगे इसको, री लॉन्च कर रहे हैं, मतलब करते रहेंगे ना एग्जीबिशन, ओके एग्जीबिशन। तो उसको मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें हम जैसे जो हमारी WRs की इंक्यूबेशन सेंटर की बच्चियां हैं उनको भी मौका मिले, और फिर ये है कि ये एक्सपोर्ट पे भी हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ लेके करें, यानी कि आप खातून को, खवातीन को इम्पावर करने के लिए उनकी बनी हुई प्रोडक्ट्स को आप चाहती हैं कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाया जाए, नेशनल एंड और इंटर दोनों जगहों पर, और इसको अच्छे तरीके से। लेकिन मसला पता क्या आ जाता है मैंने हमारे यहाँ, फिर वही ब्रांडिंग का, हम वो भी हमारे यहाँ मार्केटिंग का नहीं, हम वो सिखा रहे हैं। टेक्निकली बड़े सारे इशू है जिसमें मेरी ऑलरेडी डॉक्टर शैला जुवेद से, कैसर शेख से और कोकब रवीन से लॉट ऑफ, जितनी आपके यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट्स गुजरी हैं मेरे डिस्कशन में, हम ये जो WRC है इसमें उनको ब्रांडिंग भी सिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी सिखा रहे हैं, मार्केटिंग भी सिखा रहे हैं, और फिर एग्जीक्यूशन आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जाहिर बात है देखिए, अब 3 महीने का जो है कंप्रेस्ड कोर्स उसमें वो मास्टर्स तो नहीं बन सकते, ये पेड कोर्स है ताकि लोगों को पता चल जाए, लोग जी बहुत नॉमिनल, बहुत इकोनॉमिकल है, ना दो 3,000 पर मंथ, कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसको कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा, और वो भी हमने इसलिए रखा है कि हम वो जो एक कल्चर है ना कि जी फ्री कर दो, वो नहीं होना, लोग सीखते नहीं उस पर भी, नहीं सीखते जब तक आप टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं, साथ पैसे देते हैं, तो आपको ये पता होता है कि हमने ये करना है। क्योंकि पहले जब लोगों ने कुछ ने फ्री का शुरू किया था तो औरतें नाम लिखवा देती हैं, फिर आती नहीं है। तो एक इज्जत जो है वो इसी में है कि आप थोड़ा पे करें, हालांकि उससे हमारे अखराजात नहीं पूरे होते। हमारे आप कभी लिस्ट देखें, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो मेंटर हैं, जो आते हैं, जो ट्रेनर्स हैं वो आते हैं, तो हमें तो ये जो पिसिक है वो सब्सिडाइज करता है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। तो इस तरह फ्री में, फ्री वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, नो डाउट जी, आप खवातीन की बड़ी इसमें मैंने, मुझे पता है कि हिम्मत है, और 2009 से डॉक्टर शैला जुवेद जो कि फाउंडर्स में से हैं, उनकी मेहनत है कि आज ये नहीं कि ये कहकशां बज़म ये रोशन है, और आप लोग इसको लेके आगे चल रहे हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना कदर मुश्किल है, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन करना उससे ज़्यादा मुश्किल है, उससे ज़्यादा। और मुझे ख़वातीन के मसाइल पता है, बहुत सारे इश्यूज़ उनके पास साथ है, उनके हस्बैंड्स की तरफ से, घर की तरफ से, फिर आना टाइम निकाल के, फिर फिनंशली इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं काफ़ी। और आपका ये नए काम है जैसे कस्बे कमाल, ये नेम ही बड़ा कमाल का है, ठीक है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह तरक्की दे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपने जिक्र किया लाइट गेज इंडस्ट्री। मैं अपने व्यूज़ को बताना चाहूँगा, और ये मेरा मैसेज जो जाता है तमाम इंडस्ट्री सेक्टर्स तक जाता है, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स के, हमारा प्रोग्राम वहाँ तक जाता है, तो शायद इससे कुछ शायद हमारी गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा नहीं, अब तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, ये एक ऐसी चीज़ है गेज, लाइट गेज इंडस्ट्री, इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और अच्छा करके इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत कुछ है, सिर्फ लोग डरते क्यों हैं कि ये थोड़ा सा ना नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से महंगा होता है, महंगा है। लेकिन उसका मैंने जो कहा था कि देखें, लोगों को जब मैं एग्जीक्यूटिव थी सेल्स वगैरह का भी, लोगों के क्योंकि इंट्रोड्यूस मैंने किया है, तो उसमें यही था कि देखिए ईंट मलबा जब गिरता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो ये लाइट गेज का मतलब है कि ये एलो जिंक होता है या लोया होता है, जो भी अब लोगों ने इतनी वेरिएशंस कर ली हैं, लेकिन मेटल जो है वो ज़्यादा महंगा, आज अगर 100 रुपये है तो अगर 2-3 साल के बाद टूटता भी है तो वो 2-3 साल बाद वो ज़्यादा महंगा बिकता है। और फिर इसकी रिपेयर बड़ी आसान है कि आपकी जिप्सम वॉल्स लगती हैं वो जहाँ से डैमेज होती है कटर से काट के लगा के आप बिल्कुल रीडिजाइन हो जाती है। पूरी दुनिया में यही बनता है,
ये तो हमारी पुरानी यूके में ऐसे हैं, नॉर्थ अमेरिका में ऐसे, अमेरिका कनाडा में वहाँ दरख्त ज्यादा है, मोबाइल किस्म के वो होम्स आ गए उधर। नहीं वहाँ पे देखें दरख्त ज्यादा है ना, तो वो पट्टियाँ लकड़ी की बना के वो कर देते हैं, बड़ी अच्छी है, तो जहाँ दरख्त नहीं है वहाँ लोहे की बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये देखें कि अगर ईंट का मलबा आपका देखें आप लाख रुपए में आप एक चीज बनाते हैं, जब बिकेगा मलबा तो वो दो चार रुपए भी नहीं देगा। लेकिन मैडम यहाँ पर वो भी बेच देते हैं लोग। नहीं पर सस्ता बिकता है, सस्ता बिकता है। जब ये बिकेगा तो ये महंगा बिकेगा, तो आपकी कीमत वसूल हो जाएगी। मेरा मैडम बतौर खातून आप जितना काम किया खूब किया, आप सेटिस्फाई हैं अपने काम से, अपने ओहदों से और आने वाले दिनों से? सहमत हैं आपकी, ठीक है सब? देखिए कोई कमी रहेगी जिंदगी में गालिब सोचते सोचते, कल क्या होगा किसको क्या खबर। देखिए अब मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी एफर्ट है और अल्लाह का शुक्र है उसमें मुझे कामयाबी ही होती है। किचन गार्डन की अभी भी मैं क्लासेस देती हूँ, क्योंकि मैंने इन प्रोजेक्ट से ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पैसा कमाऊँगी, इसलिए शायद मुझे पैसा वेल्थ इज सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। तो मुझे वो खुशी होती है कि मैं एक चीज़ डेवलप किया, लोगों तक अवेयरनेस लेके गई और उससे और लोगों का भी भला हो। अब ये कस्बे कमाल का भी जो है हम पूरा सब ने मिल के, डॉक्टर शैला ने, हमने मिल के इसको सक्सेसफुल किया ईद पे। अब ये है कि अब लोगों की अवेयरनेस बनती जा रही है, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। क्योंकि आपने भी ये काम किए हैं, देखे भी हैं कि हर खातून इतनी वेल इक्विप्ड या नॉलेजेबल नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट कर सके या उसके पर इतने फाइनेंसेस उसको नहीं पता, उस बेचारी को नहीं पता, नहीं पता आज की हद। तो मैं जब समीडा वगैरह से मिलती हूँ तो मैं ये कहती हूँ, वो बल्कि मेरे से नाराज़ हुए कि जी आप मिडिल मैन को इनकरेज कर रही हैं। मैंने कहा जी आप इंडिया के प्लेटफॉर्म को देखें, इंडिया ने मिडिल मैन मिडिल वेमेन ट्रेन किए हुए हैं कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनसे प्रोडक्ट बनवाते हैं और उन लोगों के थ्रू दुनिया में लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? तो आप बजाय एक चीज़ को बैन करके इलीगल करके उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो आप लीगलाइज वेल ट्रेंड लोग लाएं जिनको ये जिम्मेदारी दें कि ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करें पूरी दुनिया में जाकर। तो ये अभी तक कमी है कि भाई इस तरीके से गवर्नमेंट, मतलब वो इनिशिएटिव लें इसमें। हाँ गवर्नमेंट कुछ देखिए, बिजनेस वेमेन के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग बनाएं, तब उनसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है ना? हम डबल डबल ड्यूटी देते हैं और डबल डबल टैक्स देते हैं, फिर अगर आप हमें अलग से आके पूछते हैं जी खवातीन ने क्या किया, तो हम क्यों जवाब दें? आप ये बताएं आपने खवातीन के लिए क्या किया है, फिर हमसे जवाब भी लेना। जी नाजरीन, दिए से दिया जलेगा तो ये बज़्म रोशन होगी, नहीं तो ख्याल तो धुआं था जो होगा और फैल जाएगा। मैडम नीलोफर सिकंदर आज की इस महफिल में, हमारी इस सफ़र में हमारे साथ मुसाफिर थी और मुझे यकीन है कि ये सफ़र आपको बहुत पसंद आया होगा। मैडम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तान, ठीक है, प्राउड पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके ख्यालात सुन के, और एज एस वी पी आप जो सर अंजाम दे रही है खिदमत इस ख्वातीन के लिए, मेरी ख्वाहिश है कि ये वाकई आप जैसी ख्वातीन को आगे आना चाहिए और आगे आना चाहिए, जहाँ जहाँ मौका मिले आपको सर्व करना चाहिए। आप एग्ज़ाम्पल हैं नई लड़कियों के लिए जिन्होंने कल को माँ बनना है, जिन्होंने कल को फील्ड में आना है, उन लड़कियों के लिए कोई मैसेज मैं पाकिस्तान के लिए इस मौके पर? प्राउड एंड प्रैक्टिकल पाकिस्तानी, प्रैक्टिकल पाकिस्तानी। जी नाजरीन ये था सफ़र आज का ख्वाबों से तबीर तक का, जो कि पावर्ड बाय मॉडर्न स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज था। आपने देखा 125 एपिसोड मैडम नीलोफर सिकंदर के साथ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये सफ़र जारी रहेगा, हम अगले सफ़र में एक नए सितारे के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, शाहिद मियां के साथ ख्वाबों से तबीर तक के लिए इजाज़त। सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे?
अब आपने घर क्यों भेज दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।